सो हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और यह है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G डिवाइस। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतवाने वाला हूँ टॉप 20 फीचर्स S21 FE के। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने टॉप 10 फीचर्स बताया था मोस्ट यूजफुल हिडन फीचर्स के बारे में। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इसी को लेकर मैंने यहाँ पर टॉप 20 मोस्ट यूजफुल फीचर्स S21 FE के, चाहे आपके पास एक्सीनोज वाला वर्जन हो या फिर आपके पास स्नैपड्रैगन 888 वाला, सेम फीचर्स यह रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर S21 FE 5G में जो यूज़फुल फीचर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिडन फीचर्स होते हैं, मतलब अधिक से ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं वो हिडन फीचर्स होते हैं और आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। बट दोस्तों अगर एक बार आपने इस फीचर्स को जान लिया ना, तो सच में आप दोस्तों एक प्रो यूज़र बन जाओगे और अपने फ़ोन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक तरीके से दोस्तों अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अदर बंदे जो यूज़ करते हैं ना S21 FE, उससे ज़्यादा आप सोचोगे ना, वो बंदे यही कहेंगे भाई ये फीचर्स कहाँ से आप लोग लेकर आए हो, क्योंकि ये जो फीचर्स है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको गैलरी के फीचर्स, कैमरे के फीचर्स एंड आपके फ़ोन के फीचर्स, तो मोस्ट यूजफुल टॉप 20 फीचर्स बताने वाला हूँ। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लो मेरे कहने पर, फिर आप खुद यहाँ पर कमेंट करोगे कि भाई सच में फीचर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए एंड चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ताकि इसी प्रकार से और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट की। दोस्तों सैमसंग के फ़ोन में स्क्रीनशॉट, कुछ लोग बताते हैं इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट, बट दोस्तों ये स्क्रीनशॉट जल्दी काम नहीं करता है। कभी कभी यहाँ पर बहुत से लोग ले भी नहीं पाते हैं, बट तो यहाँ पर आप वन क्लिक में स्क्रीनशॉट कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए पहला जो स्क्रीनशॉट है आप इस तरीके से ले सकते हो। यहाँ पर आप ये वॉल्यूम डाउन एंड यहाँ पर लॉक वाला बटन इस तरीके से प्रेस करोगे, ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है स्क्रीनशॉट। बट यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, कठिन लग रहा है, बट आपको इजी तरीका बता दे रहा हूँ सैमसंग S21 FE। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे में एक ऑप्शन है टैक स्क्रीनशॉट का, ये आपके में नहीं होगा, आपको इस पर ऐड करना होगा। बस क्या है, कोई भी स्क्रीनशॉट करना है आपको इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देना है, ईजिली स्क्रीनशॉट हो गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा आपको, इस तरीके से यहाँ पर आना क्विक टॉगल में एंड कॉर्नर पे ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है, एडिट बटन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको टैग स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहीं से उसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, इस तरीके से आपको लाना है, प्रेस करना है और यहाँ पे इससे कहीं से भी जहाँ भी आपको लाना है इस तरीके से आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस कर दोगे फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है, बस आपका जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है वो यहीं पे सेव हो जाएगा। फिर आपको कभी भी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहीं से आप ले सकते हो। एंड यही इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों और भी तरीक़ों से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखिएगा ये है एक ऑप्शन, यहाँ पे मैं देखिए एच पैनल से स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर मैं रेक्टेंगल में स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जितना भी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए मैं इस हिसाब से इसको बड़ा या फिर छोटा कर सकता हूँ एंड जितना भी मुझे चाहिए यहीं से मैं डन कर दूँगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ये हो चुका है। ठीक है, सेव कर देंगे, स्क्रीनशॉट आपका गैलरी में चला जाएगा। एंड इस इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक तरीका और स्क्रीनशॉट लेने का, ये देखिए इस तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड ये जो स्क्रीनशॉट है ना आप देखिए दोस्तों सर्कल में ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको इतना लेना है डन कर दीजिएगा, ये देखिए स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, है ना कमाल, इसको सेव कर दीजिए। एंड दोस्तों एक और कमाल की चीज़ आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर दोस्तों आप गैलरी में किसी भी फॉन्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये जो फीचर्स है ना बहुत ही कमाल का है। देखिए गैलरी में आप कहीं पर भी मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट है, अभी ये भी फीचर बता दूंगा गैलरी में एल्बम को कैसे लॉक करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें बताया था, बट मैं यहाँ पर भी बता दूंगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको ये देखिए कॉपी करना है ना, बहुत ही ईजी है। इस तरीके से आप अपने S21 FE में कोई भी जो फॉन्ट है ना उसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे फीचर्स लगा इस तरीके से, ये कॉपी हो कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एंड इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कैमरे के फीचर्स, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो कैमरा दोस्तों अगर आप सेल्फी खींचते हो इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सेल्फी वाले ऑप्शन में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऊपर, देखिए इस तरीके से आप फिल्टर चेंज कर सकते हो सेल्फी में। ये देखिए फिल्टर यहाँ पर आ गए हैं, आप बहुत सारे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, आप उन फिल्टर्स में यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर फेस का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है, एंड कलर टोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप कलर टोन में ब्राइट कर सकते हो एंड इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल भी कर सकते हो। तो ये तो आपके कैमरे के फीचर्स हो गए हैं। एंड गैलरी के अब मैं फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो गैलरी में आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपनी गैलरी में जो एल्बम है इस तरीके से मैंने लॉक कर रखी है, कैमरा स्क्रीनशॉट डाउनलोड कुछ मैंने लॉक नहीं किए हैं एंड बहुत सारी एल्बम्स लॉक कर रखी है। कैसे लॉक करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों गैलरी में क्लिक करना है, इस तरीके से कॉर्नर पर नीचे आपको मिलेंगे 3 लाइन्स, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड सबसे नीचे दोस्तों आना है,
यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आपको मिलेगा अबाउट गैलरी का, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वर्जन का, आपको क्या करना है यहाँ पर वर्जन पे आपको कितनी बार टैप करना है, 13 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों आपका जो एक न्यू ऑप्शन है ना गैलरी में, यहाँ पर ये आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सेटिंग में जाओगे तो सबसे नीचे गैलरी लैब्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एल्बम एंट्री लॉक, ठीक है, इसको आपको इस तरीके से इनेबल कर देना जैसे मैंने किया। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सपोर्ट सेव एस पीडीएफ, इसको भी आप यहाँ पर टिक कर लेना। एंड यहाँ पर आप नीचे आओगे, एक ऑप्शन और आपको लगाना है, ये ऑप्शन सपोर्ट प्रिंट मल्टीपल पिक्चर, इसको भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल पिक्चर आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन लगा लेना, सपोर्ट शॉर्टिंग शेयर्ड एल्बम, इसको भी आप लगा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन थे। एंड इसके अलावा दोस्तों आप अपनी फ़ोटो को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई सेल्फी ली, मैं गैलरी में आता हूँ, कैमरे में जाता हूँ और कोई एक सेल्फी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आप फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कमाल के। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये एक सेल्फी है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अगर आपको और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉर्नर पर 3 dots मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, रीमास्टर पिक्चर कर देना है। जैसे आप रीमास्टर पिक्चर कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगी, पिक्चर और भी ज़्यादा आपकी इन्हेंस हो जाएगी, वो सब चली जाएगी, ये देखिए पिक्चर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, यहाँ पर आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। एंड इसके अलावा यहीं पर एक और ऑप्शन मिलता है, अगर यहाँ पर पेंसिल वाले कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, पेंसिल वाले बटन पर, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप 3 dots पर जाएंगे, देख सकते हो ये 3 dots है, इस पर क्लिक करेंगे 3 dots पर, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों ऑब्जेक्ट इरेजर का, ये रहा ऑप्शन ऑब्जेक्ट इरेजर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, जो मान लीजिए ये पोल आ रहा है ना बिजली वाला, इसको अगर आप इसको कोई भी चीज़ हो A to Z आपको हटाना है अपने, यहाँ पर इसको इस तरीके से आपको कर देना है एंड यहाँ पर इरेज कर देना है। जैसे इरेज कर देंगे तो अभी आप देखिएगा ये देखिए, ठीक है, अभी सही से मैं नहीं इसको कर पाया तो यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको करना है एंड ये इस तरीके से, ठीक है, इसको इरेज कर देना है, ये पूरा देखिए क्लीन हो गया हम पिक्चर, है ना कमाल का, डन कर दीजिएगा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो, है ना, लगा कमाल का। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम, ठीक है, अब हम बात करते हैं साउंड, अगर आपको लग रहा है कि आपके फ़ोन में साउंड कुछ कम लग रहा है तो आप इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप वॉल्यूम वाला दबाएंगे बटन, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप 3 dots पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड सेटिंग पर जाएंगे, आप सेटिंग पर जाइएगा इस तरीके से। एंड यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉर्नर पे 3 dots दिखेंगे, इस पर फिर से क्लिक करिएगा, मीडिया वॉल्यूम लिमिट पे क्लिक करिएगा, एंड यहाँ पर दोस्तों ये इसको ऑन कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर जैसे ऑन करेंगे ये देखिए, इसको आपको इतना रखना, फुल मत कीजिएगा, इतने रखिएगा 70%, फुल रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेट वॉल्यूम लिमिट पिन, इसको भी आप यहाँ पर पिन भी इंटर कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ। एंड दोस्तों आप लोग ऐप्स लॉक्स बहुत ज़्यादा पूछते हो, ऐप्स लॉक की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर आपको ऐप्स लॉक करना हुआ तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिक्योर फोल्डर को ओपन करना होगा, तो आप सबसे पहले सेटिंग में जाओ अपने फ़ोन की, सेटिंग फोन में जाने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको लिखना है सिक्योर, सिक्योर फोल्डर जैसे लिखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसको आप ओपन वगैरह कर लेना, ये देखिए सबसे नीचे सिक्योर फोल्डर आ गया एंड इसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, कंटिन्यू कर लेना, ओके कर लेना, फिर आपके फ़ोन में सिक्योर फोल्डर का इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा सिक्योर फोल्डर, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट अपना ऐड करना इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने जो ये है ना सिक्योर फोल्डर में ऐप्स लॉक लगा सकते हो इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड कोई भी ऐप्स आपको लॉक करना है आप डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हो एंड डाउनलोड फ्रॉम गैलेक्सी स्टोर, एंड यहाँ पर अगर आपको मिल जाते हैं तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से। एंड इसको ऐड कर लीजिएगा, ये देखिए आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको अगर होम स्क्रीन पर लाना तो इस तरीके से प्रेस कीजिएगा एंड यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन पर कर दीजिएगा इस तरीके से, तो ये दोस्तों आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये होम स्क्रीन पे आ गया, आप कहीं भी इसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो है वो लॉक है, ठीक है। आप लोग जानते हैं आपके फ़ोन में एक ऐसा फीचर्स है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का, जिसकी मदद से आपकी ये जितनी है उस हिसाब से आप साउंड को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सर्च करेंगे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, सबसे नीचे देख सकते हो, फिर से इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हो डॉल्बी एटमॉस, ठीक है, इसको अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, एक्सपीरियंस ऑडियो फॉर मीडिया प्लेबैक दैट फॉलो अबव एंड अराउंड यू, तो गेमिंग्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप इसको ऑटो वगैरह मूवी म्यूज़िक पे कर सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे कर रही जो क्वालिटी, यहाँ पर सबसे मस्त मुझे ऑप्शन लगा वो लगा दोस्तों यहाँ पर,
एडॉप्ट साउंड का, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये क्या ऑप्शन आ रहा है, अंडर 30 ईयर्स ओल्ड। तो अगर आपकी एज जितनी है उस हिसाब से आप बूस्ट हाई फ्रिक्वेंसी इस तरीके से आप उसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, ठीक है, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी अंडर 30 ईयर्स ओल्ड है तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इसको, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी और ऑप्शन को यहाँ पर नहीं टच करना है। एंड आपके फ़ोन में कितना कमाल का फीचर्स है जिसकी मदद से आप WhatsApp के डिलीट मैसेज वापस चेक कर पाओगे, यानी कोई बंदा आपको WhatsApp पे मैसेज करता है और उस मैसेज को अगर आप नहीं देख पाते हो वो डिलीट कर देता है, जैसे कि यहाँ पर ऑल डिलीट हो जाता है दोनों तरफ से, उस मैसेज को भी आप देख पाओगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है वो सेटिंग। तो यहाँ पर आप अगर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाओगे, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना ये आपके में ऑफ होगा इस तरीके से, देखिए मैंने इसको ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई बंदा WhatsApp का मैसेज करेगा डिलीट तो यहीं पे आपको सारे मैसेज नोटिफिकेशन कुछ भी दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन मैसेज आप रीड नहीं कर पाए हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है इस तरीके से, हम इसको क्लियर कर देते हैं फिर बाद में दोस्तों वो नोटिफिकेशन हम लोग सोचते हैं कौन सी वो नोटिफिकेशन थी, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकती है, तो सारी वो नोटिफिकेशन वो यहाँ से आप चेक कर पाओगे। देख सकते हो आप जितने भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ इस तरीके से, WhatsApp के डिलीट मैसेज भी यहीं से चेक कर पाऊँगा। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक विजेट का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा विजेट्स का, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये ऑप्शन समझ में नहीं आते क्या इसका मतलब होता है, तो बहुत ही सिंपल आपको तरीके से बताता हूँ, एक तरीके से शॉर्टकट आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ पर स्मार्ट सेक्शन आप यहाँ पर लगा सकते हो, बट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी की। तो यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, ये देखिए, तो इसको आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आप ऐड कर दोगे तो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर आपके फ़ोन में बैटरी है ना वो कितनी है, आपके ब्लूटूथ में बैटरी कितनी है, एंड इसके अलावा आपकी गैलेक्सी वॉच है उसमें कितनी बैटरी है, वो सब यहाँ पर दोस्तों शो करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन में वॉलपेपर स्टाइल के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, तरह तरह के वॉलपेपर स्टाइल तरीक़ों से आप अपने फ़ोन के जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में इस तरीके से, एंड यहाँ पर हम चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिले, नीचे आओगे कलर्स का, ये देखिए आप ये तो जानते होंगे, चलिए हम यहाँ पर कोई कलर्स चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको एक कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप कलर्स पे क्लिक करना है। अब चलिए मैं आप यहाँ पर एक वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए स्टाइल भी है यहाँ पर, अब देखिए कितना कमाल का मैं नथिंग फ़ोन की तरह एक अपना ऑप्शन फ़ोन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड ब्लैक वाले पे जाऊँगा, डन करूँगा, एंड इसके अलावा यहाँ स्टाइल में आऊँगा एंड यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं डन कर दूंगा। और जैसे दोस्तों मैं डन कर दूंगा तो अभी आप देखिएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ये नथिंग फ़ोन में आपने देखा होगा ऐसा वॉलपेपर। एंड यहाँ पर अगर कस्टमाइज़ करना हो नथिंग फ़ोन की तरह तो विजिट्स में हम जाएंगे, एंड यहाँ पर दोस्तों हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि बैटरी है, एंड इसके अलावा देखिए ये देखिए गैलेक्सी वर्ड्स, ये सब हम ऐड कर सकते हैं, एंड क्रोम में दोस्तों ये सब ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर YouTube के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको सबको ऐड करना होता है, आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं Facebook का, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं Facebook का ऑप्शन, ये नोटिफिकेशन वाला कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी इस तरीके से, देख सकते हो। एंड इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह प्रेस करना है एंड यहाँ पर इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर और ये वाला ऑप्शन है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आप अपने हिसाब से होम स्क्रीन को अपनी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हो और भी ज़्यादा फास्टर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक सेटिंग ज़रूर आप ऑफ़ कर देना। तो यहाँ पर आप जाओगे अपने फ़ोन की सेटिंग में और यहाँ पर सेटिंग में सबसे नीचे आप आओगे इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग में आओगे सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर एक्सेबिलिटी का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर, ये जो ऑप्शन है ना दोस्तों इसको ऑन कर देना, इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में यहाँ पर जो ब्लर होता है फालतू का, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, वो यहाँ पर हट जाएगा। एंड इसके बाद आपका फ़ोन जो है ना UI और भी ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एडवांस सेटिंग का, नीचे आप देखोगे इस पर क्लिक करना
और यहाँ पर दोस्तों फ्लैश नोटिफिकेशन। बहुत से लोग कहते हैं सैमसंग के पुराने फीचर्स में जो होते थे पुराने फीचर्स को बंद कर दिया, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग के कमाल के पुराने फीचर्स। तो फ्लैश नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, इसको दोस्तों आप ऑन कर देना। इससे क्या होगा, कोई भी दोस्तों ऐप्स आप यहाँ पर ऐप्स सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ऐप्स आएगा यहाँ पर, कॉल आएगी, मैसेज आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन, तो ये जो फ्लैश है ना आपका दोस्तों ऑन ऑफ होगा, जैसे कि फ़ोन्स में आपने देखा होगा होता है। अगर आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में चाहते हो दो ऐप्स चलाना चाहते हो, डुअल ऐप, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आओगे और यहाँ पर जैसे कि मैं चलाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं फ़ोन की कुछ ऑप्शन देखना चाहते हूँ, तो इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ओपन इन पॉपअप व्यू मैं इसको क्लिक कर दूंगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन ओपन हो चुका है एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, और दूसरा मुझे यूट्यूब वगैरह अगर कुछ भी ओपन करना है तो यहाँ पर जैसे गैलरी मुझे ओपन करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो गैलरी वाला ऑप्शन है ना इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गैलरी में जाऊँगा और यहाँ पर इसको भी दोस्तों मैं ओपन इन पॉपअप व्यू में कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है एंड ये भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसको ऐसे करोगे तो ये दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, इसको इजी है, इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पर इसको वापस बंद करना है, इस तरीके से आप कर देना है तो ये बंद हो जाएगा। एंड अगर इसको आपको और छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो और ये भी आपका रहेगा। तो है ना कमाल का ये ऑप्शन। एंड इसके अलावा एज लाइटिंग का भी मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाना बहुत ही ईजी है। एज लाइटिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर अगर अपने फ़ोन के सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा, सॉरी ऊपर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आप जाओगे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में, इस पर क्लिक करना है एंड एज लाइटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर दोस्तों एज लाइटिंग के आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो जैसे कि ये ऑप्शन है, ये ग्लिटर है, सबसे कमाल का बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर चारों तरफ फ़ोन किस तरीके से अराउंड लाइट यहाँ पर घूमती है एंड ये वाले ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो। और ये ऑप्शन है बहुत सारे, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टाइल, आपको तरह तरह के नोटिफिकेशन स्टाइल जो है वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं, कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कलर्स भी चेंज कर सकते हो। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पर कितना इसको चौड़ा और कितना वो रखना है, इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लो रखनी है, हाई रखनी है, जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। देखिए इस तरीके से अब मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए ऑप्शन है ना कमाल का। और इस तरीके से आप इसको इफ़ेक्ट लगा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये मल्टी कलर में भी आपका लग जाएगा, इस तरीके से आप इसको मल्टी कलर में भी ऐड कर सकते हो। देखिए फोन के अराउंड यहाँ पर मल्टी कलर की जो लाइन्स है वो यहाँ पर घूम रही है। तो ये है कुछ सैमसंग के कमाल के फीचर्स, जो कि अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो को एंड कमेंट जरूर करना।